देखिए विशेष राज का जहाँ तक सवाल है, जब नीति आयोग ने फैसला कर रखा है कि हम विशेष राज की दर्जा किसी को नहीं देंगे, विशेष राज की बात जो हम लोग करते हैं वो मेरे समझ से उचित नहीं लगता है। हाँ। जीतन राम मांझी ने जेडीयू को दिया स्पेशल झटका, नीतीश कुमार के अभियान का अब क्या होगा? आपको बता दें कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग जेडीयू और चिराग पासवान की पार्टी कर रही है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने नीति आयोग के फैसले का हवाला देते हुए इसे अनुचित बता दिया है, जिसके कारण अब बिहार की सियासत गर्मा चुकी है विशेष राज्य के दर्जे को लेकर। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी गरीब राज्यों की मदद के लिए प्रतिबद्ध हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने शुक्रवार को बिहार के विशेष राज्य के दर्जे पर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि नीति आयोग पहले ही कह चुका है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, ऐसे में यह मांग उठाना सही नहीं है। वाला क्या कहेंगे, बिहार को विशेष राज्य या फिर विशेष पैकेज मिलना चाहिए? देखिए विशेष राज्य का जहाँ तक सवाल है, जब नीति आयोग ने फैसला कर रखा है कि हम विशेष राज्य की दर्जा किसी को नहीं देंगे, तो वैसी परिस्थिति में विशेष राज्य की बात जो हम लोग करते हैं वो मेरे समझ से उचित नहीं लगता है। हाँ, रही बात कि बिहार गरीब है, बिहार में हर तरह से सहायता की आवश्यकता है और इस रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कटिबद्ध हैं। आप जानते हैं कि पूर्वोत्तर राज्य सबसे गरीब स्थिति में थी, आज उनको किस तरह से बढ़ाया गया है, उसी प्रकार से हमारे बिहार में भी अगर कोई कमी है जैसा कि हम लोग समझते हैं, तो जो भी संभव सहायता होगा केंद्र करेगी, ऐसा हमको लगता है। मांझी ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने का समर्थन किया और तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा। मांझी ने कहा कि बिहार एक गरीब राज्य है और उसे आर्थिक मदद की सख्त जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार गरीब राज्यों को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, केंद्र सरकार बिहार को हर संभव मदद देगी। लेकिन जीतन राम मांझी ने विशेष राज्य के दर्जे को जब से अनुचित बताया है, बिहार की सियासत में उबाल आ चुकी है। लोग अब यह सवाल करने लगे हैं कि अब नीतीश का क्या होगा, मांझी ऐसे बयान दे रहे हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लंबे समय से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग करते रहे हैं। इस मुद्दे पर काफ़ी समय से राजनीति भी गर्म है। केंद्र में तीसरी बार मोदी सरकार बनने के बाद बिहार के एनडीए नेता फिर से यह मांग उठाने लगे हैं। सत्ताधारी पार्टी जेडीयू के कई नेता इस मांग को दोहरा रहे हैं। आपने नेताओं के बयान भी सुने होंगे। वहीं एनडीए में शामिल केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भी अब इस मांग का समर्थन कर रही है। जीतन राम मांझी ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि हमने संविधान की हत्या होने का दर्द सहा है, उस समय आम लोगों के साथ साथ प्रेस भी स्वतंत्र नहीं था। अब समय आ गया है कि जनता को बताया जाए कि उस समय क्या हुआ था और यह सुनिश्चित किया जाए कि ऐसा दोबारा ना हो। इसके अलावा जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि पुल गिरने के मामले में तेजस्वी को बोलने का कोई हक नहीं है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी खुद भ्रष्टाचार की उपज हैं। मांझी ने कहा कि वे 1980 से विधायक हैं और जानते हैं कि आरजेडी के शासनकाल में बिहार की क्या हालात थी। उन्होंने कहा कि तेजस्वी सिर्फ अफवाहें फैलाते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से जीतन राम मांझी ने विशेष राज्य के दर्जे को लेकर बयान दिया और उसके बाद बिहार की सियासत में उबाल आ चुकी है। जीतन राम मांझी ने साफ साफ कहा कि यह मांग अनुचित मांग है, नीति आयोग इसे पहले ही इनकार कर चुका है। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। आगे के खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए द बिहार टॉक।